आध्यात्मिक व्यक्ति को अपनी आंतरिक अर्थात मानसिक स्थिति को सतत देखते रहना चाहिए। सामान्य रूप से व्यवहार में भी अर्थात लौकिक अवस्था में भी किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निर्धारित होता है वो उसकी आंतरिक स्थिति से ही होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सुंदर से सुंदर वस्त्र पहना करके बीच मार्ग में खड़ा कर दिया जाए तो उससे ये निश्चित रूप से नहीं पता चलेगा कि ये धार्मिक है कि अधार्मिक है, चोर डाकू है अथवा सज्जन है, पुण्यात्मा है कि पापी है, दानी है अथवा कंजूस है, मूर्ख है अथवा पढ़ा लिखा है। ऐसा निश्चित रूप से उसके बारे में बाहर से देख करके नहीं कहा जा सकता है। जब तक वो कोई अपनी बात नहीं निकालता है, वाणी का प्रयोग नहीं करता है, तब तक व्यक्ति का जो परिचय होता है या उसकी जो पहचान होती है वो सामान्य रूप से अधूरी रहती है। मौन व्यक्ति को देख करके बिल्कुल नहीं लगता है कि ये कैसा होगा, इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के पास चुपचाप खड़ा होना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति हमारे साथ चुपचाप रहे, बात नहीं करे, तो थोड़ी देर बाद हमको बौखलाहट होने लगती है, अपनी स्थिति सामान्य नहीं रहती। हम अपेक्षा करने लगते हैं कि कुछ ये बोले, क्योंकि वाणी से फिर क्या होता है, उसकी आंतरिक स्थिति का आकलन होने लगता है। जो अधिक विद्वान होते हैं या अनुभवी लोग होते हैं वो किसी को भी आधा घंटा 10 मिनट बोल उसका सुन करके अनुमान वो लगा लेते हैं कि आखिर ये कितना बुद्धिमान है, कितना ये व्यवहार कुशल है या कुशल है, मूर्ख है, रागी कितना है, द्वेषी कितना है। व्यक्ति एक घंटा यदि बोल ले तो उसका सारा कुछ पता चल जाता है। इसलिए अगर वो कुछ बोलता नहीं है, उसके रूप को, आकार को, चाल को देख करके नहीं किया जा सकता है पूरा निर्धारित, लेकिन बोलने के बाद उसका निर्धारण हो जाता है। उसके आगे जब वो किसी को कोई वचन देता है, किसी से और कोई निश्चय करता है, अब उसमें महीना दो महीना या साल भर के बाद उसका पूरी आंतरिक स्थिति का निर्धारण हो जाता है कि ये कितना धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, ये कितना निर्भय है, कितना भयभीत रहता है आदि। तो उसकी जो आंतरिक स्थिति होती है वस्तुतः बाहर नहीं होती है, भीतर होती है, और वह चित्त के अंदर होती है, यानी संस्कार के रूप में उसकी उसका जो व्यक्तित्व होता है संस्कार के रूप में उसमें निहित होता है।
इस कारण से एक प्रकार से कहा जाए तो कोई जो व्यक्ति है वो वस्तुतः उसके अंदर जो संचित संस्कार हैं वही है। वैसे भी हम भी अपने आप को ऐसा ही मानते भी हैं, जिसको हम कहते हैं हम, मैं, वो और कुछ नहीं होता है, शास्त्र की भाषा में इसको अभिमान कहा है, अहंकार कहा है, यही पुरुष होता है। लौकिक पुरुष जो होता है वो वस्तुतः इन्हीं अनुभवों का, संस्कारों का जो संग्रह होता है वही होता है। जितना भी हमने देखा है, सुना है, अनुभव किया, और उसके आधार पर हमने अब जो संस्कार संचित कर लिए चित्त में, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब हमारी जो भी मान्यता होती है वही हम होते हैं, उससे भिन्न हम नहीं होते। तो इस प्रकार से जो वास्तविक में अपना स्वरूप होता है, आत्मा जो होता है, वो कभी स्वरूपता बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए उसको कह दिया है कि अकर्ता होता है, वो कर्ता नहीं होता है। आत्मा पुरुष को अकर्ता भी कहा जाता है, आत्मा को कर्ता नहीं माना जाता है, अहंकार कर्ता न तो पुरुष। पुरुष यानी कि जो आत्मा होता है वो कर्ता नहीं होता है, बल्कि अहंकार ही कर्ता होता है। तो ये व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है, भोक्ता की दृष्टि से तो आत्मा ही कर्ता होता है, वास्तविक रूप में तो कर्ता आत्मा ही होता है, लेकिन जो भी प्रायः प्रतिक्रियाएं होती है, हम जो चेष्टा करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो आत्मा अपने स्वरूप स्थिति को लेकर नहीं करता है, अपने स्वभाव को लेकर के नहीं करता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या होता है, शुद्ध पवित्र होता है। आत्मा जो है स्वभाव से पवित्र है, तो जो पवित्र होगा वो पाप, अन्याय, अधर्म नहीं करेगा कभी भी। लेकिन हम कभी रुकते ही नहीं हैं, पाप, अधर्म, अन्याय करते ही रहते हैं, असत्य आचरण, मिथ्या आचरण होता ही रहता है, जो कि आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। तो इस कारण से हुआ कि जो भी व्यवहार होता रहता है उसके पीछे ये अहंकार ही कारण होता है, और अहंकार का अर्थ होता है जो भी देखने सुनने के बाद एक जो अनुभवों का निर्णयात्मक संचय हुआ है, संस्कार के रूप में जो भी हमने अपनी मान्यताएं संचित की है उसी को अहंकार कहते हैं, वही अहंकार होता है, और उसी के आधार पर हमारा सारा व्यवहार होता है। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो मान रहे हैं, उन सब का आधार हमारे ये संचित संस्कार ही हैं। जैसा भी अब तक हमने इसको एकत्रित किया हुआ है, अभी हम ठीक उसकी ही प्रतिक्रिया मात्र कर रहे हैं, तो इस कारण से हमारे लिए क्या होता है, लेकिन इतना करना पर्याप्त नहीं होता है। यदि हमारा व्यापार, हमारी चेष्टा अहंकार के अनुरूप ही होती रही तो इससे क्या होगा कि हमारा अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा, हमारे जीवन की जो सफलता होती है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि अहंकार पूर्वक काम करेंगे तो वो हर समय अब तक जितना भी बना है वो राग द्वेष पूर्वक ही बनता है, बिना राग द्वेष के, अर्थात मिथ्या ज्ञान
के बिना ये बनते नहीं हैं। तो राग द्वेष पूर्वक जो संस्कार बने हुए हैं, मिथ्या ज्ञान पूर्वक जो बने हुए अहंकार, उसके आधार पर हम चाहे जितनी चेष्टा कर लें, जितना भी कुछ कर लें, हमारे लिए अनुकूल परिणाम नहीं आएगा उससे। तो इसीलिए अब हमारे लिए क्या होता है, ये विशेष जानने योग्य हो जाता है। विशेष रूप से अब इस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जो अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, यानी संपूर्ण दुखों से निवृत्ति, नित्य सुख की जो प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, यदि हम इस संस्कार के आधार पर ही चलते रहे, इन्हीं निर्मित अहंकार के आधार से ही हम सारी चेष्टा करते रहे, तो उसमें सफलता हमको नहीं मिलेगी, जबकि वो हमें चाहिए। तो इस कारण से अब अपने आप हमारे लिए कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने उस वास्तविक स्थिति को देखने का, जानने का पूरा प्रयास करें। किस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जान रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसको जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए यह जो कर्म होता है, ये एक आंतरिक कर्म हो जाता है। इसके लिए हमें बाहर देखने की अपेक्षा कम से कम हो जाती है। इसलिए जो ध्यानी व्यक्ति होता है, योगी व्यक्ति होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, अब वो अपना विशेष बल जो होता है आंतरिक रूप से लगाता है, मन को ही शुद्ध करने में लगाता है। ये सारे जो संस्कार होते हैं मन में अवस्थित, संचित रहते हैं, इस कारण से वो अब इन सब का मूल उस मन को ही समझता है। इसलिए अब उस मन को ही शुद्ध करना, निर्मल करना आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रमुख कार्य हो जाता है। तो इसलिए ये कार्य अब आंतरिक हो जाने के कारण से अब अनिवार्य होता है कि बहिर्मुखता को, बाह्य वृत्तियों को जितना अधिक हो सके उसको कम किया जाए, आंतरिक वृत्ति को जितना अधिक हो सके उसको उत्पन्न किया जाए, उसको बनाया जाए। इसलिए यह कार्य जो होता है, अब जो आंतरिक कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, वो मुख्य रूप से केवल आंतरिक रहते हैं, वैचारिक होते हैं, हाथ पैर से वो करने लायक नहीं होते हैं, मुख्य रूप से वो मन से ही संपादित करने योग्य होते हैं। इसलिए सारा का सारा जो आध्यात्मिक कार्य होता है वो मानसिक ही रहता है। तो इसके लिए अब आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मन की स्थिति को निरंतर देखते रहें, किस कार्य को करते समय क्या हमारी आंतरिक भावना, विचार उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के संकल्प हमारे किसी विषय को देखने के बाद बन जाते हैं, किन को देख करके हम उसको ग्रहण करने का संकल्प बना लेते हैं, किसको देख करके हम उससे दूर होने का बनाते हैं, किसको देख करके हमारे मन में विचलन होने लगती है, यानी व्यवहार काल में इन विषयों को देखते हुए जो जो भी प्रतिक्रियाएं हम करते रहते हैं दिन भर, उनको विशेष रूप से पकड़ते रहना चाहिए। उसी से होगा कि कहाँ राग होता है, कहाँ द्वेष होता है, कहाँ मिथ्या ज्ञान होता है, कहाँ हमारे मिथ्या संकल्प, कहाँ हमारे मिथ्या विचार बन रहे हैं। ये व्यवहार काल में अपने उसी आंतरिक स्थिति को देखते रहने से, उस पर ध्यान देते रहने से ही पता चलते रहेगा। शास्त्र में मन को और विषयों को, दोनों को
चुंबक के समान, चुंबक कहा है, क्या कहा है, चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम सन्निधि मात्रेण उपकारी भवति, और विषया अयस्कांत मणि कल्पा, ये चौथे पाद में आएगा, ये पहले पाद में होगा, चित्तम अयस्कांत मणि कल्पम। चित्त जो होता है वो चुंबक के समान होता है और विषयों को खींचता है ये, लेकिन आगे चौथे पाद में आएगा विषया अयस्कांत मणि कल्पा, ये जो विषय होते हैं ये चुंबक के समान होते हैं और ये मन को खींचते रहते हैं। अब दोनों खींचते हैं दूसरे को, विषय भी मन को खींचता रहता है और मन भी विषय को खींचता रहता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि वस्तुतः जो संसार बाहर होता है यही का यही भीतर भी होता है, अथवा जो भीतर संस्कार संसार है वही बाहर होता है, अर्थात भीतर हमारे मन में संस्कार रूप में यही जो बाहर दृश्य हैं बाहर के, यही हमारे अनुभव में आते हैं और इन्हीं से संबंधित फिर हमारे संस्कार रूप में मन में संचित हो जाते हैं। तो इस कारण से अंदर बाहर यही दोनों हो जाते हैं, बाहर ये अपने स्वरूप में हैं और भीतर ही हमारे पास संस्कार रूप में है, दोनों हैं एक ही, विषय दोनों एक ही हो जाते हैं, इस कारण से इसमें कोई अंतर नहीं आता है कि संसार चित्त को खींच रहा है अथवा चित्त संसार को खींच रहा है। वस्तुतः दोनों की एक रूपता के कारण से आत्मा जो है वो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जैसे पानी पानी के पास दो बूंद लगा करो ना तो आपस में जुड़ जाएगा, दीवार पर दो छींटा थोड़ा मोटा सा डालो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं अपने आप। तो ऐसे ही सजातीय पदार्थ जो होते हैं प्राकृतिक, जितने भी सजातीय द्रव्य होते हैं वो आपस में अपने आप जुड़ जाते हैं, इनमें आकर्षण होता है। ऐसे ही चित्त भी इनका ही बना हुआ है, प्राकृतिक होता है और ये विषय भी प्राकृतिक है ही ये, तो इस कारण से अब इन दोनों का मेल होता रहता है, एक दूसरे के साथ इनका संयोग बनता रहता है। तो यदि हम विशेष रूप से इस चीज़ को नहीं देखेंगे, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यही हमारे अंदर जो बाहर संस्कार है संसार है यही हमारे भीतर भी बैठा रहेगा और यही केवल कम अधिक आगे पीछे नए पुराने रूप में बनते रहेंगे, इन्हीं के साथ हमारा सारा समय बीत जाएगा। तो इसका फिर उपाय यही होता है जो योगी व्यक्ति करते हैं, विद्वान व्यक्ति करते हैं, अब इन्हीं रूप रसादी विषयों को इनको देखते रहते हैं, लेकिन अब वो ज्ञान पूर्वक देखते हैं, संस्कार पूर्वक इनका ग्रहण त्याग नहीं करते, ज्ञान पूर्वक इनका ग्रहण त्याग करते हैं। ज्ञान पूर्वक का मतलब होगा यानी किसी रूप को जैसे देखा तो रूप के विषय में संस्कार तो कहेगा कि ये सुखद है, यानी कि केवल हम संस्कार पूर्वक देखते हैं उसको तो वो हमारे सामने सुखद रूप में ही आएगा या सुखद लगेगा, तो अनुभूति तो देखते हुए ऐसी लग जाएगी कि ये अच्छा है सुखद है, लेकिन अब यहीं पर फिर क्या होता है, इस अवस्था में ही ज्ञान पूर्वक इसका प्रयोग हुआ कि नहीं ये अनित्य है, असुचि है, दुखद है, ये अनात्मा है, इस विषय में हमने शास्त्रों से जाना हुआ है, तो
अब हमारे पास संस्कार अभी नहीं है तत्व ज्ञान के, जिस कारण से स्वाभाविक प्रवृत्ति तो नहीं होगी, इनका हम परित्याग स्वभावता नहीं कर पाएंगे क्योंकि संस्कार नहीं है ऐसे। पर इसी अवस्था में अब उस ज्ञान को उठा करके फिर हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे, यानी वहाँ इनको जो प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, इनके संग्रह का जो निर्णय होने लगेगा, हम केवल उसको रोक देंगे। नहीं, संकल्प यदि हुआ कि अच्छा है इसको ले लेना चाहिए, तो अब वहाँ पर विरोध करना है उसका, नहीं ये ठीक नहीं है, ये लेने योग्य नहीं है, यानी वहाँ हम ज्ञान की आवृत्ति करते हैं। इस विषय में शास्त्र ने जो कुछ कहा है आध्यात्मिक शास्त्रों में, अब उसको हम वहाँ याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये क्या होता है, फिर अब ज्ञान पूर्वक व्यवहार हो जाएगा। यदि उस विषय को हमें ग्रहण करना है तो किस निमित्त से ग्रहण करना है, ये पहले वहाँ पर निर्धारित होगा। खीर खाना है, हलवा खाना है, जो कुछ भी अगर खाना है, तो अब हम खाना तो है लेकिन किस लिए, जब तक ये निश्चय नहीं हो जाएगा कि इसलिए खाना है, तब तक उसको नहीं खाएंगे। अगर ये निश्चय नहीं होता है और केवल खाने के लिए खा लेते हैं, तो निश्चय से है उसको हम सुख के लिए ही खा रहे हैं। और ऐसी अवस्था में अगर उसको बिना निर्णय किए खाते हैं, तो अब क्या होगा, उसके रागात्मक संस्कार ही बनेंगे, वो वैसा ही बन रहेगा। यानी अगर ज्ञान पूर्वक हम किसी विषय का निर्णय किए बिना उसका ग्रहण कर लेते हैं, तो स्वभावतः भी यानी अविद्याजन्य संस्कार उसके साथ बनेंगे बनेंगे, उसका जो भी स्वरूप होगा वो मिथ्या ही आएगा। तो इसलिए अनिवार्य होता है कि अभी भले ही स्थिति तत्वज्ञान की नहीं है, संस्कार विशेष नहीं है, लेकिन व्यवहार करना है तो कम से कम अपने को विचार में लाना पड़ेगा कि ये उचित नहीं है, ये ग्राह्य नहीं। कहते जाएंगे भले ही खाते जाएंगे, वो कहानी आती है ना कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, तो बोलते रहेंगे कि राग होगा द्वेष होगा, खाना नहीं है, फिर भी खाते तो रहेंगे, क्योंकि अभी नहीं रोक सकते, आरंभ में ऐसा ही होगा, यानी आवृत्ति भी होते रहेगी, जान की आवृत्ति करते रहना उसको, अभी रुकेगा नहीं उसका, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जब आवृत्ति इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, करते 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 आवृत्ति जब बढ़ जाएगी, तो एक दिन जा कर के अब लगेगा, ऐसी स्थिति आएगी कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यानी संशय वाली स्थिति शुरू होगी। पहले बिना संशय के निर्णित स्थिति होगी, ये तो ले लेना चाहिए, और वो शब्द प्रमाण के विरुद्ध होगा, लेकिन वहाँ कोई भय संकोच नहीं होगा। पर कालांतर में इस प्रकार से यदि अभ्यास करते रहते हैं उसके साथ, तो कालांतर में जाकर के अब वो संशय वाली स्थिति उत्पन्न कर देगा कि खाना चाहिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये इसका लक्षण है कि ज्ञान काम कर रहा, ज्ञान के संस्कार बन रहे, यानी जिन विषयों में ऐसा हम प्रयोग करते जाते हैं, कालांतर में स्थिति फिर अगर वो है ही है, अथवा कोई स्थिति जो होती है ग्राह्य है, लेकिन पहले लगता है कि नहीं ग्राह्य नहीं, जैसे हवन कर यज्ञ करना है, उपासना करनी है, तो विधान तो हो गया कि प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, तो कई महीनों तक यज्ञ करते करते भी स्वाभाविक नहीं लगेगा करना चाहिए, बलात् करते रहेंगे लेकिन मन से स्वीकार नहीं होगा कि ये करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बलात् अगर करते रहते हैं, दो साल चार साल करते जाते हैं, तो अब एक दिन ऐसा लगेगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
अब विचार करने की एक स्थिति आ जाएगी। अब लगेगा कि करना भी चाहिए, कभी लगेगा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी लगने लग जाएगी करना चाहिए। ऐसी ग्राह्य पक्ष में आधी स्थिति आ जाएगी, ऐसी त्याज विषयों में भी ये स्थिति आ जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसा हम सोचते विचारते हैं उसके संस्कार बन रहे होते हैं। पहले कोई भी संस्कार नहीं, विरुद्ध संस्कार नहीं थे, इसलिए एकाएक निर्णय हो जाता था हाँ पक्ष में। लेकिन अब धीरे धीरे जब संस्कार उसके बने तो अब क्या हुआ है, बीच की स्थिति आ गई, यानी आधे संस्कार उसके हैं आधे इस पक्ष के हैं, इसलिए अब दोनों स्थिति विचलन की हो जाएगी। एकाएक कोई पक्ष ना तो करेंगे ना तो मना करेंगे। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अगर हम किसी विषय में जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चय से उसके संस्कार बनते, कालांतर में उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, तो अब क्या होगा कि वो दबने लग जाएगा, यानी चाहेंगे करते करेंगे तब करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। अपने आप जो स्वाभाविक पहले हो जाता था वो अब नहीं होगा, अब उसके लिए विशेष दबाव डालना पड़ेगा कि हाँ ये करना है, तब वह होगा, नहीं करना है तो नहीं होगा। तो ये सभी विषयों में कालांतर में जाकर के ये स्थितियाँ हो जाती है। पहले हमारे अविद्या के संस्कार काम करते रहते हैं, तो हम बिना सोचे समझे ही इन विषयों का निर्बाध रूप से ग्रहण करते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर हम अभ्यास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो कालांतर में संशय की स्थिति आती है, उसके बाद फिर निर्ध्यासन आदि के माध्यम से अब उसको भी पार करने पर अब वो पूरी तरह से स्वैच्छिक हो जाता है। नित्याज्य है तो हम छोड़ने में समर्थ हो जाते हैं नहीं करना, और ग्राह्य यदि होता है तो अब नहीं लगता है कि इसको छोड़ना चाहिए, करना फिर स्वाभाविक हो जाता है। तो इससे अब ये इससे सिद्ध यही होता है कि हमारे बाहर से केवल कार्य संपन्न नहीं होते, बाहर से जो हमारे कार्य संपन्न होते हैं इसके पीछे और कारण होता है, तो वो जो कारण होता है वो संस्कार ही होते हैं। तो इस कारण से आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है दुष्ट संस्कारों का निरंतर वो नाश का प्रयास करता रहता है, और जो अच्छे संस्कार होते हैं उसके निर्माण का वो प्रयास करता रहता है। जो विहित होते हैं, जो ज्ञान विज्ञान होते हैं, सही शास्त्रों का जो अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, निधिध्यासन है, ये साथ साथ चलते रहेंगे, और इसको करते हुए हम वहाँ बाहर भी विषयों के साथ संघर्ष करते रहते हैं, तो कालांतर में जाकर के फिर से एक सरल स्थिति बन जाती है। आरंभ में ये बहुत अधिक संघर्ष वाला होता है, थकाऊ होता है, उबाऊ होता है, सामान्य रूप से ऐसा हो नहीं पाता है, असंभव लगता है कार्य कि कभी ऐसा हम कर पाएंगे क्या, संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। अभी जैसे देख सकते हैं कि संसार अनित्य है, तो ऐसा कभी दिखेगा ही नहीं, कल्पना भी नहीं होगा, पूरा संसार एक साथ कभी दिख जाए ये तो अनित्य है, नहीं लगेगा। लेकिन प्रयास करते करते एक दिन ऐसा लगेगा, दिखेगा कि वस्तुतः संसार अनित्य ही है। जैसे शरीर के विषय में लग जाता है, जब युवा काल होता है, शरीर समर्थ होता है, कोई बाधा नहीं होती है, तो नहीं लगता है कि मर जाएंगे, क्या होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन कोई विशेष रोग विशेष हो जाता है, कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, तो उसमें इसी शरीर के बारे में लगने लग जाता है कि अब तो गए। तो दोनों स्थितियाँ इसमें, जबकि अभी शरीर गया नहीं, निमित्त विशेष के कारण से आंतरिक स्थिति बदल जाती, इसलिए केवल बाह्य ही विषय कारण नहीं होते हैं,
आंतरिक भी हमारे पास इसके कारण होते हैं और वो वस्तुतः संस्कार ही होते हैं। इस कारण से आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अथवा इस मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक होता है कि वो अपनी आंतरिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को निरंतर देखते रहे, व्यवहार में तुलना करते रहे कि हमारा जैसा आंतरिक विचार है विषय क्या वैसे ही है। शास्त्रों के साथ हम व्यवहार अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से दिन रात इसको सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। ऐसे यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं तो कालांतर में जा कर के पुनः इस विषय में फिर से रुचि होने लगती है और अंत में हम इस मार्ग को अच्छी प्रकार से पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे चलना सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को सोचते विचारते रहना चाहिए।